खेत में तो आएगा सांप। घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, खाएगा थोड़ी। बस बढ़िया। अरे तो वो है भैया रेड स्नेक। बस बस गजब गजब। ये लो भैया, मेरे को कटेगा। इसमें क्या है कि अपने मुंह को खुला रखा है, पतला कर रखा है, चपटा कर रखा है। काटने के मुद्रा में है ये, ठीक है, काटने की मुद्रा में। देखो ऊपर है, ऊपर भी रहा है। ठंडा ठंडा करो, ठंडा करो। नहीं वो तो उनको छोड़ दो, वो तो कर लेंगे, उनकी तरफ से छोड़ो आप। अरे भैया भैया लटकाओ, लटकाओ जो उसकी ग्रिप दो, ग्रिप यार हैं, पकड़ दो उसकी, पकड़ दो, कितनी मजबूत है। देखो देखो देखो, तो इसने क्या पकड़ रखा है या मतलब आटी दे रखी है? तो इसके ये देखिएगा लगभग इसका थोड़ा सा, इससे वो बताओ कितना साइज का होगा ये? लगभग 5 फीट का होगा। नहीं 5 फीट तो बहुत कम है, ये तो लगभग आज दिखा लो। 6 फुट तो कम नहीं है, 6 फीट का होगा। ये 3.5 फीट की है, तो 6.5 फीट और ये इतना रह गया। 5.5 फीट का है, 5.5 फीट का है। नहीं नहीं नहीं, इंडियन रेड स्नेक, धामन धामन धामन, जिसे घोड़ा बचा बोलते हैं। मैं ज़ूम करूँ? इसको गुस्सा आ रहा है, बाकी बड़ा जबरदस्त रोल होता है इसका पर्यावरण में। चूहों को बिल्कुल साफ करने वाला जीव है। हाँ वो एक मेंढक था, मेंढक के पीछे पापा करता था। चारों तरफ लोग देख रहे हैं छतों पे से। नाम इसका इंडियन रेड स्नेक है, नाम है इंडियन रेड स्नेक है। रेड यानी चूहा, चूहा खाने वाला। देखो अभी मेरे को व्हाइट कैश नहीं आपको ले, एक डब्बो। अच्छा भाई साहब, डब्बो ले मेरे को। हां डब्बा में जाओगे केवल ये ना, ये शर्टी वाट व्हाइट की इसने। अगर दांत लग जाते तो ब्लडी हो जाती। चरणजी से ले, चरणजी का देखो खड़ा होकर देख रहा है ये। अच्छा एक तो पाजियो या खड़ो और मार पीछे पाजियो सब। पकड़ता कुछ नहीं है, जब काटता तो है। नहीं काटता तो है, परंतु इसके इसके अंदर जहर नहीं होता, जहर नहीं होता। बड़ा जबरदस्त रोल निभाता है। डरी डरी तो है मेन, तो सांप नहीं, सांप के नाम जिधर है। देखो आप, देखो चपटा, अपने आप को चपटा कर रखा है इसने। और ये बता रहा है कि मेरे से दूर रहो आप, ये चेतावनी दे रहा है। डब्बो ले डब्बो। अभी इसको शांत करना, बहुत देर लगेगी इसको शांत करने में, क्योंकि ये अभी क्या है कि प्राकृतिक माहौल में है ये पूरा प्राकृतिक माहौल है। और इसको ऐसी जगह पे इसको पकड़ लिया, इसलिए ये गुस्सा दिखा रहा है अपना। इन्हें ये पकड़ ले यार। अरे तो यार इनका तो काम ही है ना। अभी इन्हें दो तीन बार ले गए भैया हमारे यहाँ तो, है ना, दो बार ले गए भैया। अरे इनको इनको बुलाओ, इनको आपका डर तो निकला कम से कम। आजा, अरे नहीं नहीं, अनजान आदमी को ये बहुत डरी हुई है, इनके पीछे भगा था साथ में। हाँ अरे पड़ गई इनकी जो जोर से गत्ते ही बे मुंह से तो पकड़ो, दिन पहले भी एक बार करो। ये खाएगा मुझको, हैं, अगर मुंह से नहीं पकड़ूंगा तो ये खाएगा, खाएगा। इसने इसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा। देखो लपट के, देखो आपके पूरे आपसे बिल्कुल हो गया वो चुनिया। इसका वो पहले भी अपने ऐसे एक बार बैठ कर लिया, उड़ गए। देखो पेट लगा लिया आपको, देखो है ना चुनिया, पेट लिया करते गुस्सा भयंकर हो रहा है। इसका बाइट ढंग से देखना, भैया इसका बाइट जो मैंने इसने बाइट कई बार किया, देखो फुल हो रहा है बिल्कुल एकदम। पूरा लपेटा चुन में आप भाई साहब। अरे अरे लपेट लिया कर, और हां आप चले जाओ, बढ़ जा रहा है, सुन लेता चल जाओ। लट ले खड़े भाई साहब, तेरी इसमें बहुत ताकत होती है यार। ताकत तो होती है, ताकत बहुत आई है। देखो तो उसकी मुंह खुले, भाई उसने मुंह खोल लिया। हां अब ठीक, तो बाहर में चलते हैं, वहीं अपने पास, हां वहीं अपने पास। इसका मुंह देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। ये पकड़ना तो नहीं चाहता था मैं इसका, हमको डाउट हो गया कि आप जादू से तो नहीं पढ़ाते। कला है, कला कला होती है, कला। एक मिनट मैं इस जीव को
मुंह से नहीं पकड़ना चाहता था, परंतु ये आज अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। अच्छा। और ये बार बार में वाइट करने की सोच रहा है। एक बार तो मेरा इसने शर्ट भी पकड़ लिया, हालांकि अंदर तक दांत गए नहीं, तो ब्लीडिंग हो सकती थी। तो हमने इसको पकड़ लिया, काफी बड़ा सांप है, ताकतवर सांप है। तो मैंने मजबूर में होकर इसका थोड़ा गर्दन पे पकड़ा है, बाकी मैं इसको आसानी से रेस्क्यू कर लेता हूँ, परंतु अभी ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। और इसको हम लेके चलते हैं और रणथंबोर के अभ्यारण टाइगर रिजर्व में इसको छोड़ दें, जिससे आगे का जीवन जिएगा। बड़ा प्यारा सांप होता है, अपने होता है तो यही सांप रखता है, बहुत सुंदर सांप है। इससे भी मोटा सांप है, अपने लेके चलते हैं हम। एक इसमें कोई झेर नहीं, कम नहीं होता ही नहीं इसमें झेर। इसका नाम इंडियन रेड स्नेक। देख लो साफ, देख लो रस्सी लाओ के लोग भैया। दोस्तों हमने इंडियन रेड स्नेक रेस्क्यू कर लिया है, पुनर्वास है, उसको हम लेके जा रहे हैं जंगल इसके नेचर के हिसाब से। तो मिलते हैं इसके लिए में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जाने लग जाए ना तो दाम तो पकड़ाएंगे नहीं, वो सही बात बंद कर देंगे पकड़ना। तो दोस्तों हम आ गए हैं प्राकृतिक माहौल में जंगल, और लेके आए हैं इंडियन रेड स्नेक, जो अभी हमने गणेश नगर सी से पकड़ा। देखो आप कितना प्यारा सांप है, बहुत सुंदर। उस समय ये गुस्सा हो रहा था तो मैंने इसको मुंह से पकड़ा, मैं चाहता नहीं था, बाकी अब ये गुस्से में नहीं है। देखिए आप कितना प्यारा सांप, बहुत सुंदर। और हम ऐसे ही माहौल में इनको छोड़ते जिससे ये आगे के लिए जीवन जी सके। बहुत सुंदर सांप है, देखिए आप कितना सुंदर है। तो हम इसको जाने देते हैं, जाओ दोस्त जियो अपना जीवन, और मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो। दिखाओ जी पास से इसको, आओ पास, ये गया, जाओ, बहुत सुंदर और काफ़ी बड़ा है, लंबा है, जाओ मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो। तो मित्रों हमने इस जीव को छोड़ दिया है, मन को बड़ा सुकून है। और मेरे साथ आज राजेश जी साथ में हैं, इन्होंने वहाँ का पूरा वीडियो बनाया था, इसको रिलीज करते हुए इन्होंने वीडियो बनाया, बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स रहता है मेरे साथ। तो राजेश जी से एक बार रूबरू हो तो मिलते हैं फिर, जय हिंद।